करतल ध्वनि के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिएगा। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी श्रीमान राधामोहन सिंह जी, श्रीमान शिव प्रताप शुक्ला जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, संसद में मेरे साथी और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान महेंद्रनाथ पांडे जी, हम सबके वरिष्ठ नेता, बहुत छोटी आयु से मुझे जिनका हमेशा मार्गदर्शन मिला, वैसे संसद में मेरे साथी हम सबके वरिष्ठ नेता श्रीमान कलराज मिश्र जी उपस्थित मंच पर, सभी सांसदगण मंच पर उपस्थित, अन्य सभी महानुभाव, और यहां गोरखपुर में भारी संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, तकनीक के माध्यम से देश भर से जुड़े किसान भाइयों बहनों का मैं हृदय से फिर एक बार अभिवादन करता हूं। आपको खुशी होगी, आज गोरखनाथ के इस कार्यक्रम से, इस स्थान के कार्यक्रम से, गोरखपुर की धरती से हिंदुस्तान के 2 लाख गांवों के कॉमन सर्विस सेंटर में सैकड़ों किसान भी इकट्ठे हुए हैं और इस अवसर के वे भी भागीदार बने हैं। साथियों, बाबा गोरखनाथ की धरती पर आप सभी के बीच मुझे अनेक बार आने का सौभाग्य मिला है, लेकिन आज का दिन देश के इतिहास में दर्ज होने जा रहा है। आज का दिवस सामान्य दिवस नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान कहा था, उसी मंत्र को आज इतने सालों के बाद किसान के खेत तक, किसान के घर तक, किसान के जेब तक अगर उतारने का काम हो रहा है तो आज के इस पवित्र दिवस पे हो रहा है। आजादी के बाद किसानों से जुड़ी ये सबसे बड़ी योजना आज उत्तर प्रदेश की पवित्र धरती से मेरे देश के करोड़ों करोड़ों किसान भाइयों बहनों के आशीर्वाद से आरंभ हो रही है। मैं गोरखपुर के लोगों को तो दोहरी बधाई देता हूं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत के साक्षात गवाह बन रहे हैं। भाइयों और बहनों, आज ही गोरखपुर और पूर्वांचल के विकास से जुड़ी लगभग 10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण
और शिलान्यास भी किया गया है। 10,000 करोड़ रुपया स्वास्थ्य, सड़क, रेल, रोजगार, गैस जैसे क्षेत्रों से जुड़ी ये तमाम परियोजनाएं इस क्षेत्र के जीवन को आसान बनाने वाली है। इसके लिए गोरखपुर सहित पूर्वांचल को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के शुभारंभ के अवसर पर मैं देश भर के करोड़ों किसान परिवार को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसके अलावा करोड़ों पशुपालकों, दूध के व्यवसाय से जुड़े किसान परिवारों और मत्स्य पालन, मछली पालन और उसके व्यवसाय से जुड़े बहन भाइयों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, किसानों के लिए पहले की सरकारों ने बातें तो बहुत की, कागज पे योजनाएं भी बनाई, लेकिन उनकी मंशा किसान को सशक्त करने की नहीं बल्कि किसान को छोटी छोटी चीज के लिए लगातार तरसाने की थी, उनमें किसान का भला करने की नीयत नहीं थी। इसलिए वो किसानों के लिए कभी भी सही निर्णय नहीं ले सकते थे। भाइयों और बहनों, इसी स्थिति को बदलने के लिए आपने 2014 में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनाने का अवसर दिया। हमने किसान की छोटी छोटी दिक्कतों पर ध्यान देने के साथ ही उनकी चुनौतियों के संपूर्ण निवारण पर भी काम किया। किसान पूरी तरह से सशक्त और सक्षम बने, इस लक्ष्य के साथ हम निकले हैं। हमारी सरकार बहुत ईमानदारी से कोशिश कर रही है कि देश के किसानों को हर वो साधन संसाधन दिए जाए जिससे वो वर्ष 2022 तक अपनी आय दोगुनी कर सके। साथियों, बीते 4.5 वर्षों के अपने प्रयासों को और मजबूती की इस कड़ी में किसानों को सीधी मदद देने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि आज उत्तर प्रदेश की पवित्र धरती से देश के करोड़ों किसानों के चरणों में अर्पित करता हूं। अब से कुछ मिनट पहले देश के
करोड़ एक लाख किसानों के खातों में इस योजना की पहली किस्त ट्रांसफर करने का सौभाग्य मुझे मिला, जिसको आपने तालियों के गाजे बाजे के साथ उसका स्वागत किया। मुझे बताया गया है कि देश के 21 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के किसान इसमें शामिल है। इन किसानों को ₹2021 करोड़ अभी सीधे ट्रांसफर हो चुके हैं, बाकी किसानों को भी इसी तरह पहली किस्त के ₹2000 अगले कुछ हफ्तों में भी मिल जाएंगे। और देश में करीब करीब 12 करोड़ किसानों के खाते में ₹2000 की पहली किस्त जमा होगी। भाइयों और बहनों, और मैं आपको बता दूं, ये तो अभी शुरुआत है। इस योजना के तहत हर वर्ष लगभग 75,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में सीधा पहुंचने वाले हैं। देश के वो 12 करोड़ छोटे किसान जिनके पास 5 एकड़ या उससे कम भूमि है, ऐसे सभी किसानों को इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा। अब किसानों को बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए, दवा खरीदने के लिए, बिजली का बिल भरने के लिए, खेती से जुड़ी ऐसी अनेक जरूरतों के लिए परेशान नहीं होना होगा। केंद्र सरकार हर साल जो ₹6000 सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर करेगी, उससे जरूरत के ये सारे काम कर सकते हैं। इसी काम के लिए ₹2000 की पहली किस्त आज अनेक किसानों के खाते में जमा की गई है। इनमें से कुछ किसानों को थोड़ी देर पहले सर्टिफिकेट भी दिए गए हैं। मैं फिर कहूंगा, जिन किसानों को आज पहली किस्त नहीं मिली है, उन्हें आने वाले कुछ ही समय में, कुछ ही हफ्तों में पहली किस्त की राशि उनके बैंक खाते में जमा हो जाएगी। भाइयों और बहनों, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत जो पैसे किसानों को दिए जाएंगे, उसकी पाई पाई केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार की तरफ से दी जाएगी। राज्य सरकारों को कुछ नहीं करना है, बस ईमानदारी से अपने अपने राज्य के किसानों की सही सूची बनाना है
और वो लिस्ट तुरंत हमको पहुंचाना है, अगर जितनी जल्दी सूची आ जाएगी। और मैं उत्तर प्रदेश सरकार का, बिहार सरकार का, गुजरात सरकार का, महाराष्ट्र सरकार का, उत्तराखंड की सरकार का, ऐसी कई सरकारों का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस काम को प्राथमिकता दी। लेकिन ऐसी भी कुछ राज्य सरकारें हैं जिनकी नींद अभी खुली नहीं है। उनको लगता है कि इस पर वो राजनीति करने जाएंगे। मैं इन सरकारों को चेतावनी देता हूं, अगर आपने अपने राज्य के किसानों की सूची समय पर नहीं पहुंचाई, अगर वो इन लाभ से वंचित रह गए, तो इन किसानों का श्राप, इनकी बद्दुआएं आपकी राजनीति को तहस नहस कर देगी। अरे आप विरोधी दल की सरकार हो सकती हो, लेकिन मेहरबानी करके किसान तो हमारे देश का है, उसके साथ राजनीति क्यों करते हो, क्यों उसके साथ खिलवाड़ करते हो? भाई और बहनों, मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि इस योजना को लेकर किसी के बहकावे में ना आए। हमारे विरोधियों ने, महामिलावटी लोगों ने ये योजना का सुना तो आपने पार्लियामेंट में देखा होगा, चेहरा लटक गया था। मरे पड़े थे। उनको लग रहा था सारे किसान मोदी मोदी करने लग गए। और इसलिए अब क्या कर रहे हैं, अब झूठ बोलना, अफवाहें फैलाना, ये तो मुझे लगता है शायद उनका जन्मजात स्वभाव है, जन्मजात स्वभाव। इसलिए अब एक नई अफवाह चालू की है उन्होंने, अफवाह ऐसी चालू की है और किसान इसको समझे। उन्होंने ऐसी अफवाह चालू की है कि मोदी ने अभी 2000 रुपया दिया है, बाद में भी 2000 देगा, उसके बाद भी 2000 देगा, लेकिन साल भर के बाद ये मोदी वापिस ले लेगा। मेरे किसान भाइयों बहनों, ये जो पैसा दिया जा रहा है ये आपके हक का है, कोई इसको वापस नहीं ले सकता है, न मोदी वापस ले सकता है, न राज्य की कोई सरकार भी वापस ले सकती है। और इसलिए ऐसी अफवाह फैलाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दे देना भाइयों बहनों। मेरे किसान भाइयों बहनों, जब केंद्र में किसान का हित सोचने वाली, किसान की चिंता करने वाली सरकार होती है, तभी इस तरह की योजनाएं मुमकिन होती हैं, जमीन पर उतरती है, नामुमकिन को भी मुमकिन करके दिखाते हैं। आप पहले की सरकारों की, अब ये जरा समझने जैसा विषय है भाइयों, और आप गांव-गांव बताएंगे जो बात मैं समझा रहा हूं, गांव-गांव बताओगे, हर किसान को बताओगे, सच्चाई उनको समझाओगे, झूठ फैलाने वालों को करारा जवाब दोगे, पक्का दोगे। मैं आपको समझाता हूं, ये कांग्रेस वाले चुनाव के पहले, ये सारे महामिलावटी लोग ऐसे ही है, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो,
इनके सारे चेले चपाटे हो। वो क्या करते हैं, 10 साल में एक बार उनको किसान याद आता है, 10 साल में एक बार, और वो भी चुनाव के पहले याद आता है, और फिर कर्ज माफी का बुखार उनको चढ़ने लग जाता है, कर्ज माफी का बुखार चढ़ने लग जाता है, और कर्ज माफी का बुखार चढ़ के रेवड़ी बांट करके किसान की आंख में धूल झोंक करके वोट बटोर लेना, ये चालाकी वो सीख गए थे। लेकिन उनको पता नहीं था, अब उनको मोदी मिला है महंगा पड़ जाएगा, उनकी पोल खोल के रख देगा, उनके झूठ के नकाब को खोल के रख देगा, और सच्ची किसान की सेवा क्या होती है ये मोदी करके दिखाएगा। और इसलिए पार्लियामेंट में देखा होगा उनके चेहरे लटके हुए थे, और हमने सिर्फ चुनावी वादा करने के लिए घोषणा नहीं की, हम पार्लियामेंट के फोर पर बोले हैं और बजट में पैसों का प्रावधान करके बोले हैं, ये हमारी ईमानदारी है। आप याद करिए, साल 2008 में 6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज किसानों पर था। जरा मेरे साथ बोलिए, मैं बताता हूं, 2008 में सरकारी दफ्तर के हिसाब से, बैंकों के दफ्तर के हिसाब से किसानों का, पूरे देश का कर्ज था 6 लाख करोड़ रुपया। कितना कितना कितना? 6 लाख करोड़ रुपया। अब उन्होंने कर्ज माफी चुनाव के पहले घोषणा की, तो ये 6 लाख करोड़ माफ होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? आप जरा जोर से बोलिए, होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? ये 6 लाख करोड़ किसानों का माफ होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? 2009 में चुनाव हुआ, फिर से वो कृषि पे चिपक गए, फिर रिमोट कंट्रोल चालू हो गया, और क्या हुआ मालूम है आपको? क्या हुआ मालूम है? देश को किसी को मालूम नहीं है, सब अंधेरे में, और इनके चेले चपाटे भी चुप। 6 लाख करोड़ का कर्ज था, माफ कितना किया? सिर्फ सिर्फ सिर्फ, आंकड़ा याद रखिए, 6 लाख करोड़ के सामने मात्र 52,000 करोड़ रुपया माफ किया। कितना माफ किया? कितना माफ किया? कितना माफ किया? कितना करने की जरूरत थी? कितना करने की जरूरत थी? आप मुझे बताइए, ऐसा झूठी बातें करने वालों पर देश का किसान भरोसा करेगा क्या? ऐसा झूठ करने वालों को सजा करेगा कि नहीं करेगा? और भाइयों बहनों, ये 52,000 करोड़ रुपया भी 10 साल में एक बार, और वो भी चुनाव के पहले, बड़ी बड़ी बातें। अब ये उन्होंने जो लिस्ट बनाई वो भी किसकी? जो उनके सिपा सालार थे उनकी, सब किसानों की नहीं। 12-13 करोड़ किसान, उसमें से सिर्फ 2 या 3 करोड़ किसानों को ही सिर्फ ये 52,000 करोड़ रुपया बांट दिए गए। उसमें भी 35 लाख तो ऐसे निकले जिनका कोई किसानी से लेना देना ही नहीं था। बताइए भाई, इतना बड़ा गफला, क्या ऐसे लोगों को माफ करोगे क्या? ऐसे लोगों को माफ करोगे क्या? भाइयों बहनों, 10 साल में 52,000, हम जो योजना लाए हैं वो हर साल, एक समय के लिए नहीं है,
हर साल साल में 3 बार और सरकारी खजाने से हर वर्ष 75,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में जमा होगा। उन्होंने 10 साल में एक बार 52,000 करोड़ दिया था, हम 10 साल में 7.5 लाख करोड़ रुपया देंगे। कितना? 7.5 लाख करोड़। कितना? कितना? 7.5 लाख। कितना? 7.5 लाख करोड़। कोई बिचौलिया नहीं, कोई दलाल नहीं, कोई मेरा तेरा नहीं, न कोई जाति के आधार पर, न कोई धर्म के आधार पर। हर किसी को 5 एकड़ और उससे कम जमीन है, उन सबके खाते में सीधा पैसा जाएगा। भाइयों बहनों, इनकी योजना ये 10 साल में एक बार वोट बटोरने की, किसान की आंख में धूल झोंकने की जो योजना थी, उसमें गांव में अगर 100 किसान है तो कहीं पर 20 को लाभ मिला, किसी को 22 को मिला, कहीं को 25 को मिला। हमारी योजना ऐसी है, हर वर्ष मिलेगी, देश के 12 करोड़ किसानों को मिलेगी, और गांव में अगर 100 का हिसाब लगा ले तो 100 में से 90 किसानों को मिलेगी। भाइयों बहनों, 90 किसान, सोचिए, किसानों को सीधे पैसा देकर देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कितना बड़ा निवेश मोदी सरकार कर रही है, इसका आप अंदाज लगा सकते हैं। साथियों, हमारे लिए यह भी बहुत आसान था कर्ज माफी का फैसला, कोई मुश्किल काम नहीं था। हम भी रेवड़ी बांट देते, हम भी चुनाव में अपना खेल खेल लेते, लेकिन मोदी ऐसा पाप कभी करता नहीं है, मोदी ऐसा पाप के लिए कभी सोचता नहीं। आप सोचिए, हमारी सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ही करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इतनी बड़ी राशि हम लगा रहे हैं ताकि देश में जो सिंचाई परियोजनाएं 30-30, 40-40 साल से अधूरी थी, लटकी हुई थी, उन्हें पूरा किया जा सके। हमने देश भर की 99 ऐसी परियोजनाएं चुनी थी जिसमें से 70 से ज्यादा अब पूरी होने की स्थिति में आ चुकी है। इन परियोजनाओं की वजह से किसानों को लाखों हेक्टर जमीन पर सिंचाई की सुविधा मिल रही है, और ये वो काम है जो किसानों की आने वाली कई पीढ़ियों तक को लाभ देने वाला है। साथियों, इन सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कहीं कोई प्रदर्शन नहीं हुआ था, कोई दबाव नहीं था। सिंचाई परियोजनाओं को पूरा न करके कर्ज माफी करना बहुत आसान रास्ता था, लेकिन सच्चाई यह है कि कर्ज माफी से सिर्फ ऊपरी स्तर के कुछ किसानों का फायदा होता, कांग्रेस के चेले चपाटों का लाभ होता, मेरे गरीब किसान का लाभ नहीं होता। वो भी ऐसे किसान जिन्होंने किसी न किसी बैंक से लोन लिया,
उनको लाभ मिलने लगा। आखिर उन करोड़ों किसान के बारे में कौन सोचता जो बैंक के बजाय किसी दूसरे से कर्ज लेते हैं। और हमारे देश में इनकी संख्या लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है। मेरा किसान भाई और बहनों, ये नया भारत है, इसमें केंद्र सरकार जितना पैसा किसी गरीब के लिए किसी किसान के लिए भेजती है वो पूरा पैसा सीधा उसके खाते में पहुंचता है। अब वो दिन चले गए जब केंद्र सरकार से एक रुपया निकलता था और सिर्फ 85 पैसे मिलते थे, बीच में कोई पंजाब 85 पैसे मार लेता था और सिर्फ 15 पैसा पहुंचता था, 15 पैसे। पीएम किसान सम्मान निधि को भी फुल प्रूफ बनाया गया है ताकि आप किसान भाइयों बहनों का अधिकार कोई छीन न सके। इस योजना में किसी भी प्रकार के बिचौलिए के लिए कोई स्थान नहीं है। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप आवेदन कर सकते हैं, उसका पंजीकरण नंबर आपके लिए काफी होगा। वैसे तो जनधन बैंक खाते सभी के ही खुल गए हैं, लेकिन हां, अगर अभी भी किसी का बैंक में खाता नहीं है तो उनको अकाउंट खुलवाना होगा, क्योंकि पैसे सीधे बैंक खाते में ही जाएंगे। मैं किसी बिचौलिए के हाथ में एक नया पैसा जाने नहीं दूंगा। साथियों, तमाम लाभार्थियों की सूची ये भी जरा आप बराबर गांव को समझाना भैया, ये ईमानदारी का रास्ता यही है। साथियों, तमाम लाभार्थियों की सूची पहले ग्राम पंचायत में प्रदर्शित की जाएगी और फिर इसको ऑनलाइन पीएम किसान पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, पूरी ट्रांसपेरेंसी। अगर आपको लगता है कि आप इस योजना के लाभार्थी हैं लेकिन सूची में आपका नाम नहीं है तो अपने ब्लॉक में या फिर जिला प्रशासन से आप संपर्क कर सकते हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार एक नई अप्रोच के साथ बीज से बाजार तक, खेत से कल्हान तक नई व्यवस्थाओं का निर्माण कर रही है। जो बातें लोग पहले नामुमकिन समझते थे उन्हें मुमकिन कर रही है। पिछले 4.5 वर्षों में सरकार द्वारा 2 चरणों में 17 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड दिए जा चुके हैं। यूरिया की 100% नीम कोटिंग का फैसला लेकर हमने खाद का दुरुपयोग, खाद की चोरी रोका है। अच्छे बीज के लिए हमने रिसर्च को बढ़ावा दिया है। साथियों, खेती पर होने वाला खर्च कम करने की कोशिश के साथ साथ किसान को पैदावार की उचित कीमत मिले इसके लिए भी अनेक प्रयास किए गए हैं। ये हमारी सरकार ही है जिसने एमएसपी पर
किसानों की बरसों पुरानी मांग को भी पूरा किया है। रबी और खरीफ की 22 फसलों का समर्थन मूल्य लागत का 1.5 गुना से भी अधिक तय किया गया है। और भाइयों बहनों, आज जो किसान के नाम पे घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, 2007 से एक MSP की फाइल उनके पास पड़ी थी, फाइल दबा करके बैठ गए। अगर 2007 में आपने निर्णय कर लिया होता, मेरा देश का किसान कभी कर्जदार नहीं हुआ होता। ये आपका पाप है, ये आपकी बेईमानी है जिसने मेरे देश के किसान को तबाह किया है। भाइयों बहनों, मौसम की मार से किसानों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी बनाई गई। भाइयों और बहनों, किसानों को उपज का उचित मूल्य मिले और उसकी लागत कम हो, इसके लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इनाम प्लेटफॉर्म से देश भर की सैकड़ों मंडियों को जोड़ने का काम चल रहा है। इससे किसानों को सीधे देश भर की किसी भी मंडी में ऑनलाइन अपनी उपज बेचने का विकल्प मिलेगा। इससे कोई बिचौलिया कीमतों को प्रभावित नहीं कर पाएगा। अगले 1-2 वर्षों में इस माध्यम का बहुत अधिक विस्तार होने वाला है। साथियों, किसान अपनी आय 2 गुनी कर सके, इसके लिए सरकार खेती के पारंपरिक तौर तरीकों के अलावा अन्य विकल्पों को भी बढ़ावा दे रही है, जैसे मधुमक्खी पालन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, रेशम का उत्पादन, सोलर फार्मिंग। ऐसे अनेक नए क्षेत्रों में हम किसान को आगे ले जा रहे हैं। इसके अलावा पशुपालन और मछली पालन के लिए तो हमारे प्रयास निरंतर जारी है। भाइयों और बहनों, खेती हो या दूसरे व्यवसाय, इन सभी को विस्तार देने के लिए बैंकों से ऋण की सुविधा को भी बहुत आसान बनाया गया है। इसी का परिणाम है कि पिछले वर्ष 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कृषि ऋण किसानों को दिया गया। साथियों, किसान भाइयों और बहनों को कर्ज मिलने में आसानी रहे, इसके लिए हमने एक और बड़ा फैसला लिया है, बहुत बड़ा फैसला लिया है। पहले किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सिर्फ 1 लाख रुपए तक का ऋण बिना गारंटी लिया जा सकता था। अब इसकी सीमा बढ़ा दी गई है। अब मेरे किसान भाई, किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए सिर्फ 1 लाख नहीं, 1,60,000 रुपया तक का कर्ज बिना गारंटी ले पाएंगे। आज से ही किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा हमारे दूध उत्पादकों और मत्स्य पालकों के लिए भी शुरू की गई। जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है, उनको अलग से पशुपालन और मछली पालन के लिए 2 लाख रुपए तक की सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड बैंक द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। इससे इन दोनों क्षेत्रों में फंड की उपलब्धता बढ़ जाएगी और हमारे पशुपालकों
और मछुआरे भाई बहनों को दूसरे लोगों से कर्ज लेने पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। मछली पालन से जुड़े हर पहलू पर ध्यान देने के लिए इस बजट में सरकार ने अलग से एक डिपार्टमेंट बनाने का भी ऐलान किया है। आपको मालूम होगा, देश आजाद हुआ लेकिन आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय नहीं था। ये अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय बनाया था। देश आजाद होने के बाद नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए कोई मंत्रालय नहीं था। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए अलग मंत्रालय बनाया था। और अब फिर एक बार भाजपा की सरकार आई है कि देश में समुद्री तट पर, नदी के तट पर हमारे जो मछुआर भाई बहन रहते हैं, उनके विकास के लिए, उनकी भलाई के लिए मछुआर के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए अलग मंत्रालय बनाने का हमने फैसला किया है, ताकि उनके विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। साथियों, इसके साथ ही एक व्यवस्था ये भी की गई है कि अब प्राकृतिक आपदा से प्रभाव होने की स्थिति में किसानों को कृषि ऋण में छूट की सीमा एक वर्ष से बढ़ाकर 3 से 5 वर्ष तक कर दी गई है। अब इसके कारण प्राकृतिक आपदा के बाद किसान को किसी से कर्ज लेने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, उसको समय मिलेगा। अगर किसान इस अवधि में समय पर अपने कर्ज के भुगतान करते हैं तो उन्हें, ये भी सुनिए, अगर वो कर्ज में भुगतान करते हैं तो उन्हें ब्याज दर में 3% अतिरिक्त छूट का भी लाभ मिलेगा। भाइयों और बहनों, गोरखपुर और पूर्वांचल के पशुपालकों, दूध उत्पादकों के लिए तो आज डबल खुशी का दिन है, क्योंकि आज ही 1,00,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाली नई डेयरी का लोकार्पण किया गया है। इससे लगभग 50,000 दूध उत्पादक सीधे लाभान्वित होंगे और साथ में रोजगार के हजारों अवसर भी बनेंगे। भाइयों और बहनों, पशुपालकों के लिए एक और अच्छी खबर है। साथियों, हमारी सरकार ने पहली बार देसी गाय और भैंसों को बढ़ावा देने के लिए पिछले वर्ष राष्ट्रीय गोकुल मिशन आरंभ किया था। इस वर्ष इसको विस्तार देते हुए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ये बनाने का फैसला लिया गया है। ये आयोग पशुधन से जुड़े कानून है, जो नीतियां हैं उनकी समीक्षा करेगा और दूध का अधिक उत्पादन कैसे हो इसके लिए उपाय सुझाएगा। इस आयोग का एक अहम कार्य गौ माता के कल्याण, देश भर में मौजूदा गौशालाओं और गौ सदनों, पिंजरा पोलों से जुड़ी जानकारी जुटाकर उनकी समस्याओं का समाधान करने का भी रहेगा। साथियों, इस प्रकार एक बड़ी योजना भी मेरे किसान भाइयों बहनों, देश भर के किसान भाइयों बहनों, एक और योजना की मैं बात बताने जा रहा हूं, ये भी आपको कितना बड़ा काम करने वाली है इसका अंदाज लगाइए। हमने एक नई योजना लाए हैं,
किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान, और यह हमने इसी हफ्ते इसकी मंजूरी दे दी है। इसके तहत किसानों को 17 लाख से अधिक सोलर पंप, सूर्य की गर्मी से चलने वाले पंप की मदद मिलेगी, जो उनको सिंचाई पे होने वाले बिजली का खर्च हो, डीजल का खर्च हो, इससे उनको मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा 10 लाख सोलर पंपों को बिजली ग्रिड से जोड़ने में किसानों की मदद की जाएगी, जिससे वो सिंचाई तो मुफ्त में कर ही पाएंगे, लेकिन सोलार से अगर ज्यादा बिजली पैदा हुई, जरूरत से ज्यादा बिजली है, तो ये बिजली भी सरकारों को बेच करके, बिजली बेच करके भी कमाई करेगा मेरा किसान। इसी प्रकार किसानों की बंजर जमीन पर 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के सोलार प्लांट लगाने की भी योजना है। ये अन्नदाता को ऊर्जा दाता बनाने के हमारे व्यापक अभियान का हिस्सा है। अब मेरा किसान अन्नदाता तो है, अब वो देश का ऊर्जा दाता भी बनने वाला है। साथियों, हमारी सरकार आदिवासी भाई बहनों की आय बढ़ाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। हमारे आदिवासी किसानों का भी भला हो, वंदन योजना के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जंगल से जो उपज ली जाती है उसकी बेहतर कीमत किसानों को मिल पाए। इसके लिए वनधन केंद्र बनाए जा रहे हैं। वन उपज पर जो समर्थन मूल्य सरकार देती है, उसमें बीते 4.5 वर्ष में 3 बार बढ़ोतरी की गई है। दिसंबर में ही 23 उपजों का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। इतना ही नहीं, इस दौरान सरकार द्वारा एमएसपी के दायरे में आने वाली फसलों की संख्या में भी वृद्धि की गई है। जहां 4.5 वर्ष पहले जंगल से मिलने वाली 10 उपजों पर एमएसपी मिलता था, अब वो संख्या बढ़ाकर आदिवासी किसानों के लिए ये संख्या बढ़ा करके करीब करीब 50 कर दी गई है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सरकार ने खास करके जंगलों में रहने वाले लोगों के लिए बांस से जुड़े कानून में भी बड़ा बदलाव किया है। अब आप अपने खेत में भी बांस उगा सकते हैं और उसको बेचकर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। पहले ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि बांस को पेड़ की श्रेणी में रखा गया था। सिर्फ बांस की खेती कर पाए इतना ही काम नहीं किया, इसको व्यापक बाजार मिले इसके लिए भी काम किया जा रहा है। साथियों, खेती के साथ साथ गांव और किसान की हर आवश्यकताओं पर भी सरकार ध्यान दे रही है। यहां गोरखपुर में खाद कारखाने पर तेजी से काम चल रहा है। ये कारखाना एक बार फिर इस शहर की पहचान बनने वाला है। इससे किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध तो होगा ही, किसानों की लागत भी कम होगी। भाई और बहनों, पूर्वांचल में जहां आज ये सभा हो रही है, ये पूरा क्षेत्र परिवर्तन के अभूतपूर्व दौर से गुजर रहा है। उद्योग धंधे हो, कनेक्टिविटी हो, या फिर स्वास्थ्य सुविधाएं, बदलाव स्पष्ट अनुभव हो रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रगति हुई है। हाल में एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक एंसेफ्लाइटिस के कारण इस बार
पिछले साल की अपेक्षा अनेक बच्चों का जीवन बचाने में सफलता मिली है। साथियों, पूर्वांचल की स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूती देने के लिए आज अनेक प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में 200 बिस्तर वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का लोकार्पण आज किया गया है। गोरखपुर एम्स का ओपीडी भवन भी अब सेवा के लिए समर्पित है। आज से यहां मरीजों की जांच और इलाज शुरू हो जाएगा। साथियों, पूर्वांचल पूर्वी भारत में सुविधाओं, उद्यमों और रोजगार का एक बहुत बड़ा सेंटर बनता जा रहा है। इसी को देखते हुए यहां की कनेक्टिविटी को और भी आधुनिक बनाया जा रहा है। गोरखपुर कैंट, कप्तानगंज, वाल्मीकि नगर सेक्शन का बिजलीकरण हो गया है। इससे अब इस सेक्शन में बिजली से ट्रेन चल पाएगी, जिससे समय की बचत भी होगी और प्रदूषण भी कम आएगी। ऐसी स्थिति में जब भारतीय रेलवे अब पूरी तरह से बिजलीकरण की तरफ बढ़ रही है, तब यहां जो इलेक्ट्रिक लोको शेड है, इससे वाराणसी के साथ साथ यहां भी इलेक्ट्रिक इंजन बनाए जा सकेंगे। इस शेड से यहां सीधे रोजगार तो उपलब्ध होंगे ही, आसपास अनेक प्रकार के सहायक उद्योग भी लगेंगे। साथियों, हमारी सरकार का प्रयास गोरखपुर समेत पूर्वांचल में स्वच्छ ईंधन और गैस आधारित अर्थव्यवस्थाओं को भी विकसित करने का है। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना से पहले ही यहां के खाद कारखानों और घरों में पाइप वाली गैस जैसी परियोजनाओं को लाभ हो रहा है। आज 9000 करोड़ रुपए की एक और गैस परियोजना का शिलान्यास किया गया है। भाइयों और बहनों, ये तमाम योजनाएं और परियोजनाएं सबका साथ सबका विकास, इसका जीता जागता उदाहरण है। बीते 4.5 वर्षों में केंद्र सरकार ने इस मूल मंत्र पर चलते हुए देश में जन कल्याण और विकास की एक नई धारा का प्रवाह किया है। चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, सौभाग्य योजना हो, आयुष्मान योजना हो, ऐसी तमाम योजनाओं के लाभार्थियों के चयन बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से किए जा रहे हैं। कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, उसको हमारी सरकार की योजनाओं से लाभ मिलना तय है। किसी के कहने पर नाम चढ़ाने या हटवाने के कारनामे अब बंद हो चुके हैं। ऊपर से जनधन, आधार और मोबाइल जैसी आधुनिक व्यवस्थाओं से, बिचौलियों और फर्जीवाड़ा करने वाले सिस्टम से हटाए जा रहे हैं। यही कारण है कि आज देश दुनिया के तमाम सर्वे बता रहे हैं कि भारत तेजी से भीषण गरीबी की स्थिति से बाहर निकलता चला जा रहा है। साथियों, ये सब कुछ इसलिए हो पा रहा है, क्यों हो रहा है साहब ये सब, ये क्यों हो रहा है, इतने सारे काम क्यों हो रहे हैं, अभी क्या कारण है, अरे मोदी कारण नहीं है, कारण तो मेरे आप भाई बहन हैं, जिन्होंने 2014 में, आप मेरे देशवासी हैं, आप मेरे उत्तर प्रदेश के भाई बहन हैं, जिन्होंने 2014 में
एक मजबूत सरकार बनाने के लिए जनादेश दिया था, इसके लिए सब हो सकता है। गरीब के हित में हमारी सरकार बड़े बड़े लोगों से, बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों से इसलिए भिड़ पा रही है क्योंकि उसे आपने बहुमत दिया और ऐसे फैसले लेने की आपने मुझे ताकत दी है। ये ताकत ऐसे ही बनी रहे, आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, इसी कामना के साथ मेरे देश के सभी किसान भाइयों बहनों को आज के इस महत्वपूर्ण योजना के लोकार्पण के समय सर झुका करके नमन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और किसान सम्मान निधि का फायदा सभी 12 करोड़ किसानों को जल्द से जल्द मिले, हर वर्ष मिले, इस कामना के साथ मैं फिर एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ दोनों मुट्ठी बंद करके जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।